नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसा कि आपको भी खबर में आया होगा कि उड़ीसा के अंदर एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ या डिज़ास्टर आप कहिए, ऐसा हुआ और करीब अभी तक की जो काउंटिंग है उसमें 280 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसके बारे में आपको डिटेल से मैं समझाऊंगी। क्या इंडियन रेलवेज़ का जो कवच था, जिसे भारत का कवच कहा जा रहा था, वो इस रूट पे अभी तक अवेलेबल नहीं था? कैसे हो गई आज 21वीं शताब्दी में इतनी बड़ी घटना? इसके बारे में आइए थोड़ा डिटेल समझते हैं। देखिए, जो इमेजेस आ रही हैं बिल्कुल दिल दहला देने वाली हैं। और ये तीन जो है ट्रेनों के बीच में ऐसा हुआ जिसमें कि एक मालगाड़ी थी, गुड्स ट्रेन थी, जैसा कि आप देख सकते हो। अगर ये गुड्स ट्रेन ना होती तो ना जाने कितना बड़ा हादसा होता, ये हम और आप तो इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हर एक न्यूज़पेपर के अंदर यही जो है न्यूज़ बनी हुई है कि उड़ीसा का ट्रेन एक्सीडेंट। और रेलवे का ये कहना है कि एंटी ट्रेन कोलिजन सिस्टम वॉजेंट अवेलेबल ऑन द रूट। तो भाई, ये जो एंटी ट्रेन कोलिजन सिस्टम है, जिसको लेके ये बात थी कि भाई इसमें ट्रेन की स्पीड अपने आप कम हो जाएगी। आपको मैं थोड़ा सा कवच के बारे में बता दूं सबसे पहले तो, कि भाई ये देखिए, कवच एक आर्मर के तौर पे काम करता ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम था, जिसे हमारे इंडियन रेलवेज़ ने यहाँ पे डेवलप किया था रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, RDSO के माध्यम से। और भाई, इतनी बड़ी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी कि नहीं थी, यहाँ थोड़ा समझते हैं। बट सबसे पहले थोड़ा सा जानते हैं कि किन ट्रेनों के बीच में हादसा हुआ है। दोस्तों, तीन ट्रेन इन्वॉल्व थी इस एक्सीडेंट के अंदर, जिसमें कि कोरोमंडल एक्सप्रेस 12841 आप स्क्रीन पे देख सकते हो, दूसरी थी यशवंतपुर हावड़ा, और तीसरी गुड्स ट्रेन थी, मालगाड़ी थी। अदरवाइज न जाने कितने हज़ार लोग इसमें मर गए होते। तो दोस्तों, यहाँ पे बस इतना समझिए आप कि जो उड़ीसा का ट्रेन एक्सीडेंट है भाई, आज के टाइम पे इतना बड़ा कैसे हो गया, क्या दिक्कत हो गई है? तो अभी डिटेल में पूरी चीज़ें बैठेंगी, बट यहाँ पर सब सिग्नल की प्रॉब्लम की वजह से हुआ। और देखिए, अगर मैं आपको टॉप 10 डिज़ास्टर्स के बारे में बताऊं जो पूरे ही विश्व में हुए हैं, तो उसमें इस एक्सीडेंट का अब नाम आ गया है। मतलब टॉप 10 डिज़ास्टर्स में, जिसमें भी आप 1990s में देखेंगे होता था, आज से 20 साल पहले जो आखिरी आप बहुत बड़ा डिज़ास्टर श्रीलंका का देखोगे, वो 2004 का है। और आज के टाइम पे इतना बड़ा डिज़ास्टर होना, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा आप कह लीजिए कि प्रशासन को सोचने समझने के लिए बहुत ही एक्टिवली हमें काम करना पड़ेगा। देखिए, कवच की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये पहले बात कही गई थी कि हम 2000 किलोमीटर, अब इंडिया के अंदर जो लाइन है वो 60,000 प्लस किलोमीटर की जो है लाइन बिछी हुई है। अब इसमें 2000 किलोमीटर के लिए इनिशियली बात हुई थी कि हम कवच को अप्लाई करेंगे। अब वो 2000 किलोमीटर बहुत ही कम होता है अगर देखा जाए इस तरह से तो। और उसके बाद ये था कि हम पर ईयर 5000 किलोमीटर्स के रूट पे हम इसको ऑटोमेटिक डेवलप करते रहेंगे। बट अभी इस काम को हमें बहुत तेज़ी से करना होगा, क्योंकि वर्ल्ड के बड़े बड़े देखा जाए, हालांकि वो सब कॉन्डोलेंसेस अपनी जो है प्रस्तुत कर रहे हैं ट्विटर के माध्यम से, सभी बड़े बड़े लीडर्स, लेकिन तब भी अगर हम इंडिया, भारत का बाहर वो लोग मन में क्या सोच रहे होंगे कि आज के टाइम पर इतनी बड़ी इकोनॉमी, जो हम फास्टेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं, उसके अलावा इतनी अच्छी जो है वो ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहे हैं, इतना अच्छा AI चल रहा है, इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, और इतना बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट होना बहुत ही ज़्यादा जो है चौंकाने वाली बात है सबके लिए। कैसे होगा अगर माल आएगा इंडिया के अंदर, ऐसी चीज़ें होंगी, तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब करने वाली बात है इमेज को भी, प्लस इतने सारे लोगों की ऐसी दुखद मौत, ये तो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हादसा है। तो इसके लिए बस इतना करना चाहिए, प्रशासन को एक्टिवली 10 गुना तेज़ी से काम करना चाहिए। इसके अलावा कवर सिस्टम को और तेज़ी से एक्टिव करना चाहिए, ताकि